लक्षद्वीप की यात्रा करने के बाद प्रधानमंत्री ने यहां के टूरिज्म को प्रमोट किया तो मालदीव के मौजूद सरकार को इससे मिर्ची कैसे लग गई। प्रधानमंत्री पर अपमानजनक टिप्पणी भी की गई और इसके बाद भारत में बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड करने लगा। मालदीव जाने वाले भारतीयों से बुकिंग कैंसिल करवानी भारतीयों ने शुरू कर दी। बॉलीवुड स्टार और क्रिकेट के स्टार भी मालदीव के विरोध और लक्षद्वीप में टूरिज्म प्रमोट करने की मुहिम में जुट गए हैं। एक रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। दरअसल आपको यह भी बता दें, एक डिटेल्स के जरिए सामने आपके रखते हैं हम सारी बातें। बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार ने मालदीव के नेताओं की टिप्पणी का विरोध किया। सवाल पूछा, हम वहां टूरिस्ट भेजते हैं फिर भी यह नफरत क्यों बर्दाश्त करें हम। अक्षय कुमार ने भारत की गरिमा को सबसे ऊपर बताया और अपने देश में पर्यटन का सपोर्ट किया, यानी कि लक्षद्वीप जाने की गुजारिश की लोगों से। वहीं सलमान खान भी प्रधानमंत्री के सपोर्ट में उतरे। उन्होंने कहा, पीएम मोदी को लक्षद्वीप में देखना बहुत अच्छा लगा, सबसे अच्छी बात ये भारत में है, यानी सलमान ने लोगों से यहां पर जाने की अपील की। वहीं पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर लक्षद्वीप में क्रिकेट खेलते हुए फोटो पोस्ट की और लक्षद्वीप और सिंधुदुर्ग में छुट्टियां मनाने जाने की लोगों से उन्होंने भी अपील की है। भारतीयों का यह गुस्सा देखकर मालदीव को भी बैकफुट पर आना पड़ा। मालदीव सरकार के मंत्रियों की नादानी से क्या क्या हुआ और क्या क्या हो सकता है, हमारी एक रिपोर्ट में आपके सामने ये रिपोर्ट हम रखते हैं, दिखाते हैं अब तक क्या कुछ बड़े फैसले मालदीव सरकार की तरफ से भी लिए गए। भारत में इस वक्त बॉयकॉट मालदीव टॉप ट्रेंड कर रहा है। भारतीय एक के बाद एक मालदीव जाने का प्लान कैंसिल कर रहे हैं और इसकी जानकारी बाकायदा सोशल मीडिया पर भी दी जा रही है। कुछ भारतीय मालदीव की ट्रिप कैंसिल करके लक्षद्वीप जाने की बात कर रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है मालदीव की मौजूदा सरकार के मंत्रियों के जहरीले बोल, जो भारत और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों को लक्षद्वीप की तस्वीरें दिखाई और छुट्टियां मनाने के लिए यहां पर आने की अपील की। मालदीव का नाम तक नहीं लिया, लेकिन चीन की कठपुतली कही जाने वाली मौजूदा सरकार के मंत्रियों को इससे मिर्ची लग गई। मालदीव के नेताओं और अफसरों ने भारत विरोधी टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। कुछ बड़बोले मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। मालदीव की सूचना और कला उपमंत्री मरियम शिवना ने प्रधानमंत्री मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी की, लेकिन ट्वीट पर रिएक्शन आने के बाद इस ट्वीट को हटा दिया गया। मालदीव के एक और मंत्री अब्दुल्ला मोहजूम माजिद ने लिखा, हमारे बीच पर्यटन से भारत को कड़ी टक्कर मिलेगी और हमारा रिजॉर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ही इनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा है। मालदीव की सत्तारूढ़ पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव के नेता जाहिद रमीज ने लिखा, हमसे प्रतिस्पर्धा करने का विचार भ्रामक है। वो हमारे द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विस कैसे प्रदान कर सकते हैं? वो इतने साफ कैसे हो सकते हैं? कमरों में आने वाली गंध सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा भी मालदीव के छोटे बड़े अफसर और मंत्री भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। वैसे भारतीयों ने मालदीव के नेताओं को करारा जवाब दिया और जब सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड होने लगा तो मालदीव में खलबली मच गई। खुद मालदीव की तरफ से मौजूदा सरकार के मंत्रियों को आईना दिखाया गया है। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने सोशल मीडिया पर लिखा, मालदीव सरकार की एक प्रतिनिधि मरियम शिवना कितनी भयावह भाषा बोल रही है, वो भी एक ऐसे प्रमुख सहयोगी देश के नेता के लिए जिससे संबंध मालदीव की सुरक्षा और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। मौजूदा सरकार को इन टिप्पणियों से खुद को दूर रखना चाहिए और भारत को स्पष्ट आश्वासन देना चाहिए कि वे इस तरह की नीति को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। जाहिर सी बात है, मौजूदा सरकार के नासमझ मंत्रियों की नादानियों से मालदीव को आने वाले वक्त में कितनी परेशानी हो सकती है, ये वहां का प्रशासन चला चुके लोगों को अच्छी तरह से मालूम है। मौजूदा सरकार के अलग अलग मंत्री नए नए बने हुए इस तरह की स्टेटमेंट्स देंगे तो सरकार की क्रेडिबिलिटी और इफेक्टिवनेस, अपने देश के अंदर छवि को नुकसान होगा कि भाई कैसी ये सरकार है। अब समझिए मौजूदा सरकार प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप को प्रमोट करने से क्यों बौखलाए। इन तस्वीरों को देखिए, मालदीव और लक्षद्वीप ये दोनों जगह है कितनी मिलती जुलती है। दोनों जगहों का नीला समंदर और समुद्र तट पर सफेद रेत फैली हुई है। कुदरत की ऐसी सुंदरता बहुत कम जगहों पर पाई जाती है। अंतर सिर्फ इतना है कि भारत समेत दुनिया भर के लोग मालदीव्स में छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, जबकि लक्षद्वीप अभी पर्यटन के नक्शे पर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि मालदीव भारतीय पर्यटकों से ही गुलजार है। साल 2023 में 193,000 से ज्यादा भारतीय मालदीव गए। मालदीव में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक भेजने वाले देशों में भारत का स्थान दूसरा है।
यहाँ तक कि कोरोना काल में भी भारत से करीब 63,000 पर्यटक मालदीव पहुँचे थे। प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप को प्रमोट किया तो मालदीव से इसकी तुलना शुरू हो गई और मालदीव के नेताओं ने बगैर कुछ सोचे समझे बयानबाजी शुरू कर दी। इस बयानबाजी के बाद काफी देर तक मालदीव की सरकारी वेबसाइट्स भी ठप रही, क्यों इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। फिलहाल भारत में बायकॉट मालदीव ट्रेंड हो रहा है, जिसका सीधा असर अब मालदीव की इकोनॉमी पर पड़ना तय है। ऑपोजिशन जो है उसको मौका मिल जाएगा मोइजू सरकार को अटैक करने का कि देखिए ये हमारी जो सरकार है ये इमेच्योर है, ये इरेशनल है, ये अपने देश के हितों को ठीक से समझ नहीं रही है, भारत से इस तरह से व्यवहार करके हमारे देश की इकोनॉमी को नुकसान होगा। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि मालदीव में एक बड़ा तबका अपनी सरकार की ऐसी बयानबाजी और भारत विरोधी कदमों से खुश नहीं है। सरकार के भारत विरोधी बयानों के बावजूद मालदीव के लोग और कई राजनीतिक पार्टियां भारत के पक्ष में मजबूत आवाज उठा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि भारत ने अपने इस पड़ोसी देश की इतनी मदद की है, जिसकी अहमियत मालदीव के लोगों और नेताओं को भी पता है। भारत हमेशा मालदीव का साथ देता आया है और यह सिलसिला 1965 में मालदीव की आजादी के साथ ही शुरू हो गया था। भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल था जिन्होंने सबसे पहले मालदीव को मान्यता दी। 1972 में भारत ने माले में अपना मिशन भी स्थापित किया। 2004 की सुनामी के बाद भी सबसे पहले मालदीव की मदद करने वालों में भारत आगे था। मालदीव को भारत ने तब 10 करोड़ रुपए दिए थे। भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मालदीव का बड़ा फाइनेंसर है। भारत ने मालदीव की रक्षा जरूरतें भी पूरी की हैं। एक तरह से कहा जाए तो मालदीव की रक्षा जरूरतें भी भारत पर टिकी हैं। 2010 और 2013 में भारत ने मालदीव को हेलीकॉप्टर दिए, 2020 में छोटा एयरक्राफ्ट दिया। 2018 से 2022 के बीच भारत ने मालदीव की 1100 करोड़ की मदद की। भारत ने मालदीव में अस्पताल, क्रिकेट स्टेडियम, ब्रिज, रोड, मस्जिद और कॉलेज भी बनवाए हैं। इसके अलावा मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर टिकी है और बड़ी संख्या में भारतीय मालदीव घूमने जाते हैं। मालदीव और भारत के बीच सालाना 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार भी होता है। लेकिन चीन की गोद में बैठी मोइजू सरकार भारत से संबंध खराब कर रही है। बायकॉट मालदीव ट्रेंड तो एक शुरुआत है। अगर मोइजू सरकार ने भारत विरोधी बयानों और प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर सफाई नहीं दी तो मालदीव को बड़ा कूटनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा, ये भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री मोदी और भारत से नफरत करने वाले मोइजू सरकार के मंत्रियों ने पूरे मालदीव की दुनिया में ऐसी की तैसी करवा दी है, बहुत ही किरकिरी करवा दी है। भारत ने भी मालदीव की सरकार से ऐसे बयानों पर कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई, जिसके बाद पहले मालदीव सरकार का बयान आया है। आपको बताते हैं इसमें क्या कहा गया। दरअसल इसमें कहा गया मालदीव की सरकार विदेशी नेताओं पर अपमानजनक टिप्पणियों से अवगत है, लेकिन ये मंत्रियों के निजी बयान हैं। ये बयान मालदीव सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, सफाई दी गई। मालदीव में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग जिम्मेदारी से होना चाहिए। बयानों की वजह से मालदीव के अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों से संबंध न बिगड़े, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। इसके अलावा मालदीव सरकार ने संकेत दिए थे कि टिप्पणी करने वालों पर कार्यवाही होगी और शाम तक भारत और प्रधानमंत्री के खिलाफ देने वाले मंत्री जो बयान उन्होंने दिया था उसको सस्पेंड भी कर दिया गया। Z News.